डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पहले हम लोग इसके न्यूट्रिशन को समझने से पहले ऑर्गेनिज्म के नेचर को, उसके हैबिट को, उसके हैबिटेट्स को, उसके फूड हैबिट को समझ लें, तब हमारे लिए यह पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जैसे अमीबा या पैरामीशियम, आप दोनों के लिए यह पॉइंट कंसीडर करते हैं कि यस दोनों का दोनों यूनिसेलुलर है या ऑलरेडी मेंशन है, उसी के एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका हैबिटेट आप याद रखेंगे कि एक्वेटिक होता है, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि यह एक्वेटिक है। सेकेंड वन हम याद रखेंगे इसका फूड हैबिट कैसा है, तो आप याद रखेंगे कि ओमनीवोरस है। ओमनी का अर्थ आप ऑलरेडी जानते हैं कि यह बोथ ईटर है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, ओमनीवोर्स जो अमीबा है आपका। फिर याद रखेंगे कि इसमें जो न्यूट्रिशन है वह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टेप्स उसके प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें आप देखे थे इंजेशन और लास्ट वन इजेशन। इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। एंड एक और पॉइंट आप याद रखें कि इसका जो फूड है वह क्या होता है, तो बेसिकली जो माइन्यूट क्रिएचर्स हैं यूनिसेलुलर लाइक डायटम्स, उसको ये अपना फीडिंग बनाता है या फूड बनाता है, ऐसे आप ज़्यादा अच्छा होगा कि बोलिए। क्लियर है? चलिए हम लोग इस डायग्राम को देखें और डायग्राम से हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। आप याद रखेंगे जो स्टेप्स हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 5 स्टेप में या न्यूट्रिशन का काम कंप्लीट होगा अमीबा या पैरामीशियम दोनों में। हम लोग उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखें। आप जानते हैं कि अमीबा का यह जो डायग्राम है वह इरेगुलर है। पहला जो फिगर बनेगा आपका फर्स्ट फिगर, उसको आप कंप्लीट लेवल करेंगे। जैसे आप जानते हैं इसके लेवलिंग को हम लोग अगर थोड़ा सा फास्ट में आपको दिखाएं, यह साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक लिविंग मटेरियल है, उसके बाद आप यहाँ न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस, और यह है आपका क्या सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम कहते हैं क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से फर्स्ट डायग्राम को दिखा देना है। याद यह रखना है आपको, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिए, यहाँ याद यह रखना है कि जहाँ पर भी जिस भी साइड में फूड उसको दिखे उसी रीजन से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया का अर्थ है स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की ओर निकलता है और दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्यूज करता है, और जैसे ही यह फ्यूज किया तो बनेगा क्या फूड वैक्यूल। आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बात समझ में आएगी। यह इस तरह से प्रोजेक्ट होगा बाहर की ओर और किसका फॉर्मेशन करेगा, स्यूडोपोडिया का। ध्यान रखना है यह जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे यह दोनों एज इसका स्यूडोपोडिया का, यह दोनों मिल जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, एंड विदाउट टचिंग द फूड, फूड को बिना टच किए हुए यह फूड को इनगल्फ करता है। अगर इस डायग्राम को आप कंप्लीट करके देखें, अब यह हो गया इसका न्यू मेम्ब्रेन और फूड लाई करेगा विद इन द फूड वैक्यूल। क्लियर है? फूड कहाँ, फूड वैक्यूल में। अब ध्यान रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा भी कहते हैं, यह पॉइंट भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है। टेम्पररी जो स्टमक होगा अमीबा का वह किस ऑर्गेनिल को बोलते हैं, तो आप बोलेंगे फूड वैक्यूल इज ऑल्सो टर्म्ड एज द टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा। अब ध्यान रखें यहाँ जो आप देख रहे हैं इंजेशन हुआ है, इसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इंजेशन में आपको याद रखना है इंजेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है सेल ईटिंग, सेल के द्वारा डायरेक्ट इनगल्फ करना, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ जो इंजेशन है वह याद रखेंगे फैगोसाइटोसिस के द्वारा होगा। मदद करेगा कौन सा पार्ट, स्यूडोपोडिया, प्रोसेस कहलाएगा फैगोसाइटोसिस जिसका लिटरल मीनिंग होता है सेल ईटिंग, और बाकी के पार्ट को आप लेबल कर देंगे। जैसे ही इंजेशन का काम हुआ पहला, आप लेबल करते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद हम लोग देखते हैं क्या डाइजेशन होगा, और आप याद रखेंगे कि यहाँ यूनिसेलुलर बॉडी है, डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय लाइसोजोम। सम पावरफुल हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो मदद करेगा डाइजेशन में। तो याद रखेंगे इसके बाद वाले डायग्राम में हम लोग क्या शो करेंगे, डाइजेशन का। फूड तो अभी भी फूड वैक्यूल में ही है,
और इस पर एंजाइम एक्ट होगा। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि इसका डाइजेशन हो रहा है। आप साइड में न्यूक्लियस कहीं दिखा दें, साइड करने का पेरिफेरी पे नहीं, इस तरह से क्लियर है। यहाँ पर आप फूड वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इस सब नहीं भी लिखे तो आपका काम चलेगा। स्टेप जरूर से लिखना है। जैसे फर्स्ट स्टेप ये हुआ है जिसको हम लोग बोले क्या, इंजेशन। ये पॉइंट याद रखेंगे, पहले इंजेशन, आफ्टर इंजेशन। यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका, डाइजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन, और जब यह डाइजेशन हो जाए, फूड डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में एरो देख के आप दिखाएंगे एब्जॉर्प्शन। आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, यह इस तरह से आप बना लें और यहाँ आप एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। यह याद रखिएगा, न्यूक्लियस या आपका फूड वैक्यूल बाहर की तरह यही शेप में आपको दिखना चाहिए कि एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। और फिर इसके बाद के फिगर में हम लोग दिखाते हैं क्या, याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन। फूड का जो भी फूड वो अपटेक हुआ है वह यूटिलाइज होगा फॉर द वेरियस पर्पसेस, या फूड वैक्यूल या आपका न्यूक्लियस। ध्यान से बात को समझें। और इसका वेरियस पर्पसेस में, एसिमिलेशन में क्या है, आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखे थे। और सबसे फाइनल स्टेप में याद रखेंगे, पांच स्टेप आपको ऑलरेडी बताया गया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनल वन इज व्हाट, इजेशन। इजेशन को आप थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में देखें, या आपका अमीबा का सिंपल डायग्राम है। ध्यान से बात को समझिए। आप जानेंगे क्या कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, वैसा फूड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वह फूड वैक्यूल के साथ ही मूव करता है कहाँ, पेरीफेरी के पास। द फूड वैक्यूल मूव्स टुवार्ड्स द पेरीफेरी एंड द मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन रप्चर, या रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। जैसे यह टूटे, अब यह क्या होगा, जो फूड वैक्यूल है आपका यह एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इट एक्सपेल्स इन दिस वे अमीबा गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजेनियस वेस्ट। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हुआ हो कि किस तरह से भोजन का इंजेशन होगा और क्या इंजेशन का प्रोसेस क्या है। इसमें एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि यह जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसके लिए यह सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। डिफ्यूजन इज सफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। आपका एब्जॉर्ब्ड होगा और डिफ्यूज होके बाकी के रीजन में पहुंच जाएगा, उसी सेल में। डाइजेशन होगा कैसे, यह भी याद रखेंगे, इंट्रा सेलुलर होगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब हम लोग पैरामीशियम के डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही छोटा होगा यह, इसमें आपको उतना ही स्टेप जानना है, ध्यान से थोड़ा समझेंगे, बहुत ही आसान है यह पैरामीशियम में डाइजेशन को समझना। देखिए इस तरह से आप सेंडल शेप में एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यही आपका पैरामीशियम है। इसको आप थोड़ा सा और ब्रॉडन कर सकते हैं इस तरह से। यह जो आप देख रहे हैं यही उसका ओरल रीजन है, ओरल कैविटी जिसको हम लोग बोल देते हैं। माइन्यूट हेयर से कवर्ड होता है आपका पूरा बॉडी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलिया। यह हो गया ओरल रीजन, और यू कैन राइट इट माउथ, माउथ भी लिख देते हैं, हालांकि है यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे इसके केस में डाइजेशन का, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट है, ईस्ट के बारे में आपको बताया गया अभी कुछ देर पहले कि ईस्ट जो है वह इसके लिए एक भोजन के समान है, सिंगल सेल का फंगस होता है ईस्ट। यह ईस्ट यहाँ इसके द्वारा जो सिलिया है, जैसे आप देखे थे यहाँ अमीबा के केस में कि स्यूडोपोडिया मदद करता है टू इनगल्फ द फूड, आप इस केस में याद रखेंगे कि सिलिया वाइप करता है फूड को, विद द हेल्प ऑफ सिलिया फूड इंटर्ड होगा, इनगल्फ होगा, और जैसे ही भोजन आएगा यहाँ फूड आपके पाए जाएंगे कहाँ, फूड वैक्यूल में। ध्यान रखिए फूड वैक्यूल में यह जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे इंजेशन। इंजेशन के बाद फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इंजेशन के बाद सेकेंड वन डाइजेशन, फूड वैक्यूल यही रहेगा, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या देखते हैं हम लोग, तो आप याद रखेंगे डाइजेशन जब हो जाए तो एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन के बाद फूड का एसिमिलेशन होगा, एनर्जी का यूज किया जाएगा, और फिर फाइनली यह फूड वैक्यूल पहुंचेगा किसी भी एक साइड मेम्ब्रेन में, मतलब पेरीफेरी के पास। वह पेरीफेरी आपका रप्चर होगा, रप्चर में टूट जाना, ब्रेक करना, आप इस तरह से उसको दिखा दे, ध्यान रखिएगा ऐसे देखिए, और यहाँ से यह जो आपका फूड वैक्यूल है वह एक्सपेल हो जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इजेशन। तो यह पांच स्टेप्स जितने भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं सभी में आप देखते हैं। तो आप क्रम से जरूर से याद रखें इसको,
आई होप कि आप वीडियो अच्छे से समझे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।